नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। संसद के मॉनसून सत्र में एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान देखने को मिला है। मामला राज्यसभा का है, जब शुक्रवार को जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच तीखा संवाद हुआ। धनखड़ ने जया बच्चन के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि राज्यसभा की एक वरिष्ठ सदस्य होने के नाते क्या आपके पास चेयर का निरादर करने का लाइसेंस है। इससे पहले जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पर अपना विरोध जताया था। बस इसी के बाद विपक्ष ने सदन में बोलने नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। इतना ही नहीं, संसद के उच्च सदन में विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया गया। देखिए संसद में घमासान पर ये रिपोर्ट। जया बच्चन राज्यसभा में आज फिर गुस्सा हो गई। फिर से वही मामला नाम का। सभापति जगदीप धनखड़ ने फिर उन्हें जया अमिताभ बच्चन कहकर पुकारा तो वो भड़क गई। समाजवादी पार्टी की सांसद ये वही जया बच्चन है जिन्होंने इन्हीं सभापति को अपना परिचय जया अमिताभ बच्चन के रूप में दिया था। इसी सदन में वो भी तब जब जया अमिताभ बच्चन कहकर पुकारे जाने पर उपसभापति हरिवंश को बहुत कुछ सुना चुकी थी। दरअसल शुक्रवार को राज्यसभा की कार्यवाही चल रही थी। सभापति जगदीप धनखड़ आसन पर थे, बारी जया बच्चन की आई तो उन्होंने जया अमिताभ बच्चन कहकर पुकारा। बस क्या था, वो भड़क गई। पिछली बार उपसभापति हरिवंश के सामने उन्होंने समाज में स्त्री पुरुष विभेद और नारीवाद की बातें करने लगी थी। इस बार सभापति को बॉडी लैंग्वेज समझाने लगी। फिर क्या था, सभापति धनखड़ भी कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने जया बच्चन को बैठाकर ऐसा बोला कि सब सुनते रह गए। देखिए, सर मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग सर, यू मे बी सिटिंग ऑन द चेयर एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट टू स्कूल। जया जी टेक योर सीट, जया जी टेक योर सीट, टेक योर सीट, टेक योर सीट, टेक योर सीट। One second, honorable members, honorable members, honorable members, no, bet you, honorable members, bet you, I know how to deal with it, bet you. Jaya ji, you have earned a great reputation, you have earned a great reputation, you know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat, I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No shit given to you. No, don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody, you may be a celebrity, you have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No, never carry an impression that only you build reputations. We come here and build reputations. फिर इस मसले के बाद क्या होना था, बस इसी बात के बाद विपक्ष ने सदन में बोलने नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं संसद के उच्च सदन में विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया गया। सदन के नेता जेपी नड्डा ने यह प्रस्ताव पेश किया। इस बीच जेपी नड्डा ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। लेकिन जो मैंने आने के बाद देखा यहाँ और जो आपने कहा है, मैं ये कहता हूँ कि जो आपने कहा वो उसके साथ नहीं सिर्फ सत्ताधारी दल बल्कि पूरा देश आपकी बात के साथ खड़ा है। और जिस तरीके का व्यवहार उस तरफ से हुआ है वो बहुत ही अशोभनीय है और वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। मुझे बड़े स्पष्ट दिख रहा है कि वह
राजनीति में धरातल पर स्तर से इतने नीचे आ गए हैं कि वह पार्टी का विरोध करते करते, व्यक्ति का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लगे। और देश में वह विघटनकारी शक्तियां जो देश को खंडित करना चाहती हैं, विभाजित करना चाहती हैं, तकलीफ में डालना चाहती हैं, उनके साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष में हमें जब विपक्ष की आवाज दिखती है तो मुझे यह संशय होता है कि वह राष्ट्रीय पार्टियां, वह प्रादेशिक पार्टियां, क्या उनका एजेंडा देश को कमज़ोर करने का बन गया है? और आज जिस तरीके का, जो आपने कहा टॉप ब्रास, वह इस बात को इंगित करता है कि सारी लीडरशिप इस बात से सहमत है कि वह किसी भी कारण से हाउस न चले, इसके लिए वो प्रेरित होती है। जो आज का व्यवहार है, मुझे लगता है कि उनको इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा, जिसके बारे में वो बार बार दोहराई देते रहे हैं यहाँ बैठ करके, उसको उनको आचरण में लाना चाहिए। वक्त आ गया है आचरण में लाने का। और मैं इतना ही कहूँगा कि इस घटना की जहाँ मैं निंदा करता हूँ, वहीं उनको माफ़ी मांगने की बात भी कहता हूँ। हालांकि इस बात का विपक्ष पर कोई असर नहीं पड़ा। विपक्ष और जया बच्चन दोनों इस बात पर अड़े हैं कि सभापति ही माफी मांगे। जया बच्चन ने संसद के बाहर ही मीडिया से बात की और कहा, जो चेयर से कहा जाता है वो ठीक है, अगर वो चेयर राज्यसभा के चेयर से बाहर है तो वो भी एक आम इंसान, एक आम MP है, वो हमारे अन्नदाता तो नहीं है। मैंने उनके बोलने के टोन का ऑब्जेक्शन किया था। हम कोई स्कूल के बच्चे तो नहीं है, हम में से कई लोग सीनियर सिटीजन है। इस पूरे प्रकरण में जया बच्चन के साथ सोनिया गांधी उनका भरपूर साथ देती नजर आई। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के बीच गहरी दोस्ती थी। पुराने समय के लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि दोनों की दोस्ती कितनी गहरी थी। किताबों और तमाम लेखों के मुताबिक राजीव गांधी के कहने पर ही स्टार अमिताभ बच्चन ने राजनीति में कदम रखा था। देखा जाए तो फरवरी में ही जया बच्चन का राज्यसभा से समय पूरा हो जाएगा। ऐसे में लगता है जाते जाते वो ऐसे मुद्दे छोड़कर जाना चाहती हैं जो लंबे समय तक याद रखे जाएं। हालांकि इस दौरान जया बच्चन भूल गई हैं कि वो ना केवल सभापति बल्कि देश के उपराष्ट्रपति से भी बात कर रही थी। फिलहाल अब इस मुद्दे का अंत कहां जाकर होता है, ये देखने वाला विषय होगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।